नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों अभिशापित है कोसी नदी। अपनी धारा बदलने के सिरफिरेपन की वजह से ही कोसी बिहार का अभिशाप कही जाती है। हालांकि बिहार की ज़्यादातर नदियां यही चरित्र है, लेकिन कोसी कुछ ज़्यादा बदनाम इस वजह से है कि वह दूसरी सभी नदियों की तुलना में विस्तृत भूखंड में तेज़ी से धारा बदलती है। 1731 में फरबीसगंज तथा पूर्णिया में नज़दीक बहने वाली कोसी धीरे धीरे पश्चिम की तरफ खिसकते हुए 1882 में मुरलीगंज पास, 1922 में मधेपुरा के पास, 1936 में सहरसा तथा दरभंगा मधुबनी जिला के करीब पहुंच गई। इस तरह तकरीबन 225 वर्षों में कोसी 110 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसक गई। वर्ष 1959 में तटबंधों के बीच केंद्रीय कोसी पूरब की तरफ वापस जाने को बहुत उत्सुक नजर आई। 1984 में नवहट्टा के पास तटबंध का टूटना इसी उत्सुकता का नतीजा रहा। इसके बाद से लगातार कोसी पूर्वी तटबंध पर आक्रामक तेवर बना रही है। 2008 में पूर्वी तटबंध पर पूर्वी क्षेत्र में एक बड़े भूखंड में इसने उत्पात मचाया था। कोसी के आक्रमण से प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े नुकसान को देखते हुए ही सही कोसी की तटबंधों के बीच कैद कर दिया गया है। 126 किलोमीटर पूर्वी और 122 किलोमीटर पश्चिमी तटबंध का निर्माण कराया गया। साल 1959 में 56 फाटकों वाले 1149 मीटर लंबे बराज का निर्माण कराया गया। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार जिलों के 22.69 लाख इकाई इलाके में लगभग 2888 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया गया। इसका मकसद पानी के दबाव को तोड़ना और कोसी के पानी का सिंचाई में इस्तेमाल करने का था। इसके बावजूद कोसी की धारा में कोई बदलाव नहीं किया जा सका। अपनी प्रकृति के मुताबिक वो धारा बदलती उन्मुक्त होने को हमेशा उत्सुक दिखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे पेज पे देख रहे हो तो उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।